हम इस समय नैमिषारण्य में अति प्राचीन अक्षय वट है जिसे आप देख रहे हैं। यह बहुत पुराना है, यही महर्षि वेद व्यास ने तपस्या किया था। चारों वेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण की रचना किया था, श्रीमद् भागवत भी लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ नैमिषारण्य में लगभग 5097 वर्षीय प्राचीन अक्षय वट की महिमा। यहाँ लोग प्रदक्षिणा करते हैं, उधर महर्षि व्यास की पीठ है जिधर मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ भी लोग जाकर पूजा अर्चन करते रहते हैं। यह अति प्राचीन अक्षय वट है जिससे आप देख सकते हैं इसकी शाखाएँ कितनी पुरानी हैं। इसमें से आकर के आगे सपोर्ट भी की हैं। इसकी विशालता और इसकी पुरातन स्थिति को आप भली भांति देख सकते हैं। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है। नैमिषारण्य हिंदुओं का एक महानतम तीर्थ है जहां पूरे विश्व से लोग देखने के लिए आते हैं। पीपल, बरगद, पाकड़, इनका काफ़ी महत्व है, पर्यावरण की दृष्टि से भी इनका महत्व है और हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भी इनके महत्व को तमाम शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भगवान बुद्ध ने भी वट वृक्ष के नीचे ही तपस्या किया था। पीपल के बारे में कहा गया है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम च महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वासुदेव नमोस्तुते। महर्षि व्यास का यहाँ इनकी प्रतिमा भी लगी है जिन्हें आप देख सकते हैं, लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं, पुजारी जी युवा हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। महाराज जी बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। ये अक्षय वट है जी, यहीं पर व्यास जी ने अपने शिष्यों को वेद ग्रंथ का उपदेश किया। अच्छा। साम वेद का उपदेश किया है और ये हमारे ग्रंथों के अनुसार समूह पृथ्वी पर 5 अक्षय वट हैं जो अमर वृक्ष हैं। अच्छा। सबसे पहला अक्षय वट है गया जी में। अच्छा। जहाँ पर माँ जानकी जी ने पिंडदान किया। दूसरा अक्षय वट है नैमिषारण्य पितरों की नाभि गया अक्षय वट है। तीसरा है शुक्रताल जहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद भागवत सप्ताह सुनाया। चौथा वट वृक्ष इलाहाबाद किले के अंदर जहाँ पर काक भुसंडी जी का संवाद हुआ। पांचवा वट वृक्ष बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता जहाँ पर कपिल महामुनि ने अपने माता को संघ शास्त्र का उपदेश किया। ये समस्त पांचों वृक्ष ये व्यास जी के समय के हैं। पितृ देवताओं का विशेष महत्व इन वृक्षों के रहते रहता है। परिवार आरोग्य हेतु सुख समृद्धियाँ प्रदान होती है। बहुत बड़ी बात कहा महाराज श्री ने। यह पांचों वृक्षों को बताया किन किन स्थानों पर हैं और किस प्रकार का महत्व है। इस स्थल पर आकर के भी लगता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे सुरम में पौराणिक स्थल पर हैं जहां देखने पर भी इसकी पौराणिकता, इसकी भव्यता, पर्यावरण का आच्छादन और इसके विशेष धार्मिक महत्व और प्रयोजन को भी हम देख सकते हैं, नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। यहाँ लोग प्रदक्षिणा करते हैं, भीतर से भी करते हैं, बाहर से भी करते हैं। इस गोमती नदी के किनारे यह जहाँ 84,000 ऋषियों ने आकर तपस्या किया था, देवासुर संग्राम जब हुआ था, एक बार इसकी विशालता को मैं आप सभी को दिखा देना चाह रहा हूँ। आप देखें सचमुच बहुत विशाल है, बड़ा इसकी महानता और विशालता का मैं दर्शन करा रहा हूँ आप सभी। मुझे भी यहाँ पहली बार आने का अवसर मिला है, मुझे भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और आपको भी इस महान तीर्थ का दर्शन संचार जनित माध्यम से मैं करा रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दोस्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद।